आदत हो गई है, डेली सुबह 5 बजे उठ जाती है हमें परेशान करने के लिए बस। ऐसी हालत हो जाती है बच्चा होने के बाद, बस यही काम रह गया। दिन बच्चा होने के बाद बस नींद हराम है और कुछ काम दाम नहीं है। लग क्या बकवास कर रही थी, तुम गया। बुराई थोड़ी हो रही है, ऐसे तो सभी के बच्चे हैं, उनसे पूछो जिनके पहले पहले बच्चे हो जाते हैं। नींद आराम हो जाती है भाई, शादी के बाद भी है और बच्चे के बाद और है। आजकल डेली एडिटिंग रात की हो रही है 12 से 1 बजे तक, जो मेरी वीडियोस बनती है, क्योंकि सुबह दिन भर यही टाइम हो रहा, बस नींद नहीं आती रहती है। तो इसकी चेंज हो गई है, मस्त घर की सोई है मिशी। ए मिशी, गुड मॉर्निंग। कैसे टुकुर टुकुर करके देखती है सुबह 5 बजे उठ के, कपड़े कपड़े चेंज, हगन तो मुगन तो इसने कर दिया हम तो, और अब चुपचाप से लेटी हुई है। ये देखो इसको कैसे शांत हो रखी है, अभी ऐसी शांत है मैं मिश का, देखो इसको टुकुर टुकुर देखती रहती है मोबाइल पे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। गाइस गुड मॉर्निंग, आज व्लॉगिंग कर दी है मिशू, देखो कैसे देख रही है घूर घूर के। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8:30 हुए हैं, और आज सुबह से या आजकल जो दिन जा रहे हैं वो 5 बजे ही उठ रहा हूँ सुबह को। सो आजकल सुबह को बहुत जल्दी उठ जा रहा है, क्योंकि मिशिका जो हो रही रात को 2 बजे उठ रही है, सुबह 5 बजे उठ रही है, मतलब पूरा अलार्म बजना है उसका, और उसके बाद फिर नींद भी नहीं आती, और नींद आती है तो फिर मैं फिर ज़्यादा देर तक सो जाता हूँ, इसलिए सोता ही नहीं हूँ। फिलहाल आज का प्रोग्राम है, अभी फिलहाल इसके जा रहे हैं, 10 से 10 दिन हो गए हैं स्टिच वगैरह कटेंगे, जो सर्जरी वगैरह हुई थी मीनू के, और थोड़ा बेबी को भी दिखा लेंगे, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। मतलब तैयार हो रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मिशिका विशिका भी आ रही है, सब कुछ। फिलहाल इसी के चलते हैं, आज का प्लान क्या है देखते हैं कि क्या होता है आज। तो चलो चलते हैं फटाफट से। सोई हुई है, सीएस पहुंच चुके हैं, और बच्चे अच्छे मेरे को गुड वर्क पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, और अभी टाइम लग रहा है लगभग 11:30 बजे डॉक्टर आएंगे, तो उसके बाद ही होगा, तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं, बस सीएस का आनंद ले रहे हैं। वापसी की तरफ घर को सीरियस से अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और ये जो आप बम्बू देख रहे हो ये ला रखे हैं मच्छरदानी के लिए रात को, क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छर आजकल चल रहे हैं, सर्दी हो रही है तो मिशू को ठंड लग जाती है, तो इसलिए ज्यादा फैन में नहीं चला पा रहे हैं, तो पापा लोग ये बम्बू भी ले आए हैं मच्छरदानी लगाने के लिए। अभी फिलहाल मीनू के ऑफिस में आए हैं मिठाई विठाई बांटने के लिए, और कुछ और काम भी है। बच्चा शुरू रखा है, आँखें भी खोल रही है थोड़ा थोड़ा करके, और आज हमने ये नई मैट्रिस लाए हैं, अभी इसको सेटअप नहीं किया है, और एक ये छोटी सी अलमीरा, इसकी इसकी मिशिका की कपड़ों के लिए पूरा पैक हो गया, वो फिर भी अभी भारी दिख रहे थे सारे कपड़े, जब से शादी हुई है तब से मेरे को जगह ही नहीं मिल रही सोने के लिए। देखो ये इस जगह इतनी कहाँ, इसने कब जा रही थी जगह, इसने कब जा रही। सो गाइस, रात के 12 बज गए हैं, और रात के 12 बजे हमारा बेड सेटअप हो रहा है, ये नई मैट्रेस आई है, और इसके साथ ही बेड शीट वगैरह आई है, मतलब एक तरीके को गिफ्ट में दिवाली का लाए हम, और ये मच्छरदानी के लिए स्टैंड लगा दिए पापा ने करके अच्छे से, अब मिशू के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 5 और काफी ज्यादा डिले हो गया है। मैंने तो सोचा था सुबह 8 बजे जाऊंगा, 12-1 बजे तक वापसी हो जाऊंगा ऋषिकेश से, लेकिन वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। अभी 5 बजे हूँ, अपनी मेडिकल पे आ गया हूँ। थोड़ा बहुत सामान सामान लिया है, कुछ जैसे एक टेबल था, एक बेड बेड का गद्दा वगैरह था, तो वो भी लाया, मैट्रेस वगैरह ले आए। अभी फिलहाल मेडिकल पे बैठा हूँ। तो आज का छोटा सा ब्लॉग ये था, बस मीनू का रूटीन चेकअप था, तो ऋषिकेश वगैरह गए थे, बस थोड़ा घूम फिर भी हो गया, थोड़ा मूड वगैरह फ्रेश भी हो जाता है। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।